दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और उसकी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि सभी लोगों को ये जरूरी मैसेज मिलता रहे। चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष कब अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है ये 7 दिसंबर को, ठीक है 7 दिसंबर को, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या दोस्तों, देश में जो है सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है आपको बता दें कि 2018 के लिए इस दिन का विषय क्या है, याद रखिएगा इसका थीम याद रखिएगा वर्किंग टुगेदर टू इंश्योर नो कंट्री इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है इसका विषय याद रखिएगा इस बार का वर्किंग टुगेदर टू इंश्योर नो कंट्री इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में आज का टारगेट लाइक्स है 15,000 लाइक्स का, तो फटाफट इस वीडियो का टारगेट पूरा करें। कल आप लोगों ने काफ़ी लेट किया था, वीडियो आपको पसंद आया, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा देश अपने सभी सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लग्जमबर्ग। ठीक है देखिए आपको बता दें लग्जमबर्ग जो है दोस्तों अपने सभी सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, पहली कंट्री बन गया है ये। और आपको बता दें कि 2019 में ट्रेन ट्रॉम और बसों पर किराए को हटा देगा। ठीक है आपको बता दें दोस्तों लग्जमबर्ग सरकार ने 20 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क कर दिया था। ठीक है 2018 में किया था ये। आपको बता दें लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है, लग्जमबर्ग सिटी, और इसकी मुद्रा है यूरो। लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या है, लग्जमबर्ग सिटी, और करेंसी है यूरो। जेवियर बेटेल लग्जमबर्ग के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है वर्तमान पीएम कौन है, जेवियर बेटेल वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं। तो कौन सा देश अपने सभी सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों लग्जमबर्ग, जरूर याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थर्ड है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी रावी नदी। ठीक है देखिए दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब में रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। ठीक है इस परियोजना के कार्यान्वयन से रावी नदी के पानी की जो बर्बादी है उसको बर्बादी को कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है आपको बता दें कि इस परियोजना के पूरा होने पर पंजाब में 5,000 हेक्टेयर और जम्मू काश्मीर में 32,173 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उपलब्ध हो जाएगी। यह परियोजना दोस्तों जून 2022 तक पूरी की जाएगी। ठीक है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, रावी नदी। दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को अपने फेसबुक एप्लीकेशन से सर्च करके लाइक जरूर कर लें, वहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर्स और इसके अलावा हैंड रिटन नोट शेयर करता हूँ, तो फटाफट लाइक कर लीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतः विषय साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दे दी है, यह मिशन किस विभाग द्वारा लागू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन डी। ठीक है देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोस्तों 6 दिसंबर को अंतः विषय साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दे दी है। यह मिशन साइबर भौतिक प्रणालियों से संबंधित प्रौद्योगिकियों की विभिन्न आवश्यकताओं को संबोधित करेगा। यह आपको बता दें दोस्तों कि यह मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है और ये जो मिशन साइबर भौतिक प्रणाली है दोस्तों CPS 41 से कंप्यूटर आधारित एल्गोरिथम द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इनमें से किसने एडमिरल कप नौकायन रिगाटा 2018 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी टीम इटली। ठीक है ऑप्शन बी टीम इटली। ठीक है आपको बता दें कि केरल में एडमिरल कप नौकायन रिगाटा 2018 का 9वां संस्करण संपन्न हुआ है और टीम इटली ने एडमिरल कप नौकायन रिगाटा 2018 जीत लिया है। टीम सिंगापुर दूसरे स्थान पर और टीम यूएसए तीसरे स्थान पर है। ठीक है सेकंड नंबर पर थी टीम सिंगापुर और थर्ड नंबर पर टीम यूएसए। ठीक है आपको बता दें कि एडमिरल कप रिगाटा भारतीय नौसेना अकादमी द्वारा ये वार्षिक रूप से आयोजित एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य नौकायन कार्यक्रम है। ठीक है ये आप याद रखिएगा। इनमें से किसने एडमिरल कप नौकायन रिगाटा 2018 जीता है, ये जीत लिया दोस्तों टीम इटली ने। ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट है, इसमें सेकंड नंबर पर सिंगापुर थर्ड पर यूएसए है। क्वेश्चन 6 है दोस्तों, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्जिम बैंक ने दिसंबर 2018 में किस देश को $500 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये दिया दोस्तों तंजानिया को। ठीक है तंजानिया ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसको एक्जिम बैंक कहते हैं शॉर्ट में, 6 दिसंबर को तंजानिया को $500 मिलियन का ऋण दिया है। ठीक है $500 मिलियन का, इस ऋण राशि का उपयोग तंजानिया में जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। ठीक है एक्जिम बैंक ने आपको बता दें 10 मई 2018 को तंजानिया सरकार के साथ
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। कैपिटल है डोडोमा है और इसकी मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। ठीक है, तंजानिया शिलिंग इसकी करेंसी है। ठीक है, तो 500 मिलियन डॉलर का ऋण एक्जिम बैंक ने किसको दिया है? तंजानिया को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में दिसंबर 2018 को एक फ्रेट विलेज को मंजूरी दे दी गई है? तो दे दी गई दोस्तों वाराणसी को। ठीक है, ऑप्शन सी वाराणसी। देखिए आपको बता दें कि शिपिंग मंत्रालय ने वाराणसी में एक फ्रेट विलेज को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि वाराणसी में पेशेवर रसद उद्योग बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि इसे अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। अब ये फ्रेट विलेज क्या है? तो आपको बता दें कि फ्रेट विलेज वह है निर्दिष्ट क्षेत्र है जहाँ परिवहन के विभिन्न साधनों, माल वितरण और अन्य रसद के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था दोस्तों, पूरे भारत में सशस्त्र बल ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7 दिसंबर को। ठीक है, पूरे भारत में सशस्त्र बल ध्वज दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद है दोस्तों शहीदों के साथ साथ पुरुष और महिला सैनिकों को सम्मानित करना जो भारत की रक्षा के लिए सीमाओं पर बहादुरी से लड़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और आपको बता दें पूर्व सैनिक समुदाय के कल्याण और पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष का गठन भी किया गया है। तो पूरे भारत में सशस्त्र बल ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाराणसी के बाद इनमें से कौन से शहर जलमार्गों के माध्यम से कंटेनर कार्गो प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा शहर बन जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। ठीक है, पटना। देखिए दोस्तों, वाराणसी के बाद पटना जल मार्गों के माध्यम से कंटेनर कार्गो प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा शहर बन जाएगा और पहला वाराणसी। शिपिंग मंत्रालय के अनुसार गंगा नदी पर पटना में इसमें गया घाट जो टर्मिनल जो है 10 दिसंबर 2018 के बाद पेप्सिको और इमामी एग्रोटेक माल प्राप्त करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और आपको बता दें जल मार्ग विकास परियोजना के तहत वाराणसी में भारत का पहला बहु मॉडल जो टर्मिनल का उद्घाटन नवंबर 2018 में हुआ था। ठीक है, तो पहला जो है वाराणसी में हुआ है, अब ये दूसरा जो है ये है पटना में, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दोस्तों डाक। ठीक, डाक। देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को पूर्वव्यापी सहमति दी है और यह दोनों देशों के बीच डाक के क्षेत्र में सुधार और डाक सेवाओं में सहयोग स्थापित करेगा। ठीक है, और दोस्तों यह जो सहयोग ज्ञापन है विशिष्ट क्षेत्रों में आगे सहयोग को करने के लिए डाक सेवा वार्ता स्थापित करने में मदद करेगा। ठीक है, किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? डाक। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11 है, नई दिल्ली में किस मंत्रालय को राष्ट्रीय महत्व के लिए स्कॉच पुरस्कार 2018 दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, ये नई दिल्ली में राष्ट्रीय महत्व के लिए स्कॉच पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है। बता दें कि मंत्रालय का पुरस्कार उसके उद्देश्य और देश में 73 गीगावाइट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार सचिव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आनंद कुमार द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में किस मंत्रालय को राष्ट्रीय महत्व के लिए स्कॉच पुरस्कार 2018 दिया गया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को। ठीक है, चलिए अब देख ले दोस्तों लास्ट वीडियो का आंसर। मैंने क्वेश्चन पूछता विश्व मृदा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, जिसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 5 दिसंबर को। सभी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया था और काफ़ी डिटेल में लिखा था। अब देख लेते दोस्तों आज का क्वेश्चन क्या है, आज का सवाल है किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस का CMD नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दे रखे, आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट। बट दोस्तों यदि आपने कल की करंट अफेयर्स की वीडियोस देखी तो आपको आंसर पता होगा, यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखी जस्ट यहाँ पे स्क्रीन में आकर जरूर देख लें। और आप डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखा करें, हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिदिन हमारे वीडियो क्लास होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे। अगर आप इसे लगातार देखना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे वेबसाइट को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी के बटन दबा दो, लाइक बटन को दबाओ और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी यूज़ करते हो शेयर करो ताकि सब तक ये जानकारी फ्री में पहुँच सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो, जैसे टेक्निकल डिटेल समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्म कैसे भरना समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में लिखो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखो, हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको संपर्क करके आपकी सहायता ज़रूर 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 करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो भी GK करंट अफेयर सामान्य ज्ञान ये सब का जो बना रखा है नोट्स वगैरह अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, वेबसाइट पर डाल रखा है, जैसे कि एक्सपर्ट टीचर ने बनाया है, सबका लिंक वीडियो के नीचे वर्णन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया गया है या ऊपर कोने में आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो डेली 2-4 वीडियो हमारे वेबसाइट से देखो, वेबसाइट से पढ़ो, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी।